गुड मॉर्निंग क्लास सेवेंथ स्टूडेंट्स, दिस इज योर मैथ सब्जेक्ट क्लास एंड वी आर सॉल्विंग एक्सरसाइज 2.6। ओके, सो वी स्टार्ट नाउ। एक्सरसाइज 2.6 में हमने क्वेश्चन फर्स्ट, सेकंड और थर्ड सॉल्व की थी। क्वेश्चन थर्ड को सॉल्व करते समय हमने देखा था कि 10, 100 और 1000 से मल्टीप्लाई करने पर 10 में सिंगल जीरो होता है तो डेसिमल राइट साइड वन डिजिट मूव करता है, 100 में 20 होते हैं तो 2 प्लेस राइट साइड मूव करता है डेसिमल 2 डिजिट्स, एंड यहाँ पर 1000 में 30 होते हैं तो 3 डिजिट्स राइट साइड मूव करता है डेसिमल। इसकी कुछ प्रॉब्लम्स और सॉल्व करते हैं। देखिए थर्ड प्रॉब्लम, क्वेश्चन थर्ड प्रॉब्लम 153.7 इंटू 10 इंटू 10 7351। अब डेसिमल इसमें सिंगल डिजिट है तो इसमें सिंगल डिजिट हम मेंटेन करेंगे तो कितना 0.7 था तो इस 7 के इस तरफ आ गया, सिंगल डिजिट मूव किया। देखा प्रॉब्लम, देखें आप लोग, 7.362 इंटू 100 1 2 2 1 6 6 1 3 3। अब आफ्टर डेसिमल कितने डिजिट हैं, 2 डिजिट हैं। ये देखिए अब यहाँ 3.62 में आफ्टर डेसिमल कितने डिजिट थे, 2 डिजिट्स थे तो 20 हैं, 2 डिजिट्स मूव करेगा तो क्या हो जाएगा 362.0, वही आपका आंसर आया। आफ्टर डेसिमल आप लोगों को ध्यान रखना है कि आफ्टर डेसिमल जीरो आने पर जीरो कोई वैल्यू नहीं होती है, इसको प्लेन 362 भी राइट कर सकते हैं। इसको ऐसा राइट करें इक्विवेलेंट है, दैट मींस इसकी वैल्यू सेम है। क्वेश्चन 4, अ टू व्हीलर कवर अ डिस्टेंस ऑफ 55.3 किलोमीटर इन 1 लीटर ऑफ पेट्रोल, हाउ मच डिस्टेंस विल इट कवर इन 10 लीटर्स ऑफ पेट्रोल। ओके, इन 1 लीटर पेट्रोल हाउ मैनी किलोमीटर्स, 55.3 किलोमीटर्स, एंड इन 10 लीटर्स पेट्रोल 55.3 इंटू 10, सो हाउ मच इट विल ट्रेवल, 553.0 भी लिख सकते हैं या 553 किलोमीटर। ओके, नेक्स्ट लास्ट प्रॉब्लम है, इसमें हम मल्टीप्लीकेशंस डेसिमल्स को मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पर देखिए बोथ आर डेसिमल नंबर्स, इनको मल्टीप्लाई करेंगे। क्वेश्चन फिफ्थ फर्स्ट प्रॉब्लम 2.5 इंटू 0.3, हम प्लेन 3 5 15 5 हियर 1 कैरी 3 2 6 1 7। अब इनको मल्टीप्लाई करते हम देखते हैं कि 1 डेसिमल आफ्टर डेसिमल 1 डिजिट फर्स्ट नंबर में है, सेकंड नंबर में भी 1 डिजिट, दोनों नंबर्स में आपके आफ्टर डेसिमल 1 डिजिट हैं तो आपको जो प्रोडक्ट होगा उसमें आफ्टर डेसिमल 2 डिजिट्स होंगे 0.75। ओके, नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन 0.1 इंटू 51.7, यहाँ इसको सॉल्व करेंगे 51.7 0.1, इसको प्लेन हम 1 से मल्टीप्लाई करें हमको क्या मिलेगा 517।
अब यहाँ हम देखते हैं कि आफ्टर डेसिमल दोनों नंबर में सिंगल सिंगल डिजिट है, तो आप भी आफ्टर डेसिमल टू डिजिट्स मेंटेन करेंगे तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 5.17। ओके, थर्ड प्रॉब्लम 0.2 × 316.8। यहाँ हम दोनों में देख रहे हैं आफ्टर डेसिमल सिंगल सिंगल डिजिट हैं, 316 × 2 0.2.8 है इसमें, तो प्लेनली डेसिमल्स को छोड़ के सीधा मल्टीप्लाई करें, 2 8 16 6 ईयर 1 कैरी, 2 6 12 प्लस 1 13, 3 ईयर 1 कैरी, 2 1 2 प्लस 1 3 2 3 6। अब इसमें हमको डेसिमल मेंटेन करना है टू डिजिट बिफोर, सो यहाँ आएगा आफ्टर डेसिमल टू डिजिट्स होंगे, आपका आंसर हो जाएगा 63.36। ओके, प्रॉब्लम फोर्थ, प्रॉब्लम फोर्थ 1.3 × 3.1। आप प्लेन मल्टीप्लीकेशन कर लें, 1 3 3 1 1 1 3 3 9 3 1 3 3 9 + 1 10 0 here 1 carry 3 + 1 4। अब आफ्टर डेसिमल कितने डिजिट्स आना है, 1 + 1 2, तो आंसर आएगा आपका 4.03। ओके, ऐसे ही आप आगे इन मल्टीप्लीकेशन को कर सकते हैं, आप लोग प्रैक्टिस करेंगे 0.5 × 0.05। तो यहाँ हमको प्लेनली 5 × 0.05 है, तो हम सीधा 5 5 = 25 भी आया। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं आफ्टर डेसिमल टू डिजिट है, यहाँ पर सिंगल डिजिट है, 2 + 1 3, तो यहाँ पर हमको 3 डिजिट मेंटेन करने हैं, तो एक जीरो और ऐड करना होगा, तो हमारा आंसर आएगा 0.025। आफ्टर डेसिमल 3 डिजिट्स हमको मेंटेन करना है। ओके, नेक्स्ट प्रॉब्लम है 11.2 × 0.15। इसको सॉल्व करें, प्लेनली आप 112 को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, 5 2 10 0 here 1 carry, 5 5 5 + 1 5 5 5 + 6 5 5 1 2 2 1 1 1 1 0 6 2 8 5 + 1 6 1 year। अब यहाँ पर आपको कितने डिजिट मेंटेन करना है, 2 डिजिट इस तरफ हैं, 1 डिजिट इस तरफ हैं, आफ्टर डेसिमल कितने डिजिट हैं, टोटल 3 डिजिट्स हैं, तो यहाँ पर भी हम आफ्टर डेसिमल 3 डिजिट्स मेंटेन करेंगे, तो क्या आएगा आपका आंसर, 1.680। ओके, नेक्स्ट प्रॉब्लम 7th 1.07 × 0.02। तो यहाँ पर सीधा हम 107 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 7 = 14, 4 year 1 carry, 2 0 0 1 2 1 2। अब इसमें आप लोगों को देखना है, इसमें भी आफ्टर डेसिमल टू डिजिट्स हैं, इसमें भी आफ्टर डेसिमल टू डिजिट्स हैं, कैसे राइट करेंगे, 0.02 आफ्टर डेसिमल टू डिजिट्स हैं, तो इसमें आफ्टर डेसिमल हमको 4 डिजिट मेंटेन करने हैं, तो हमारे पास 3 डिजिट्स हैं, तो एक और जीरो हम यूज करेंगे, तो यहाँ आपका डेसिमल 0.0214। ओके, IX इस प्रॉब्लम को देखें, 101.01 × 0.01। इसको हम प्लेन मल्टीप्लाई कर लें, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको यही मिलेगा। अब इसमें डेसिमल टू डिजिट्स यहाँ है, 2 डिजिट्स यहाँ, 4 डिजिट 1 2 3 4, यहाँ डेसिमल आ जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा 1.0101। ओके, ऐसे ही आप लोग सभी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करके देख लेंगे। आप लोगों को ध्यान रखना है, जब मल्टीप्लाई करते हैं तो जितने डिजिट्स आफ्टर डेसिमल दोनों नंबर्स का टोटल करने के बाद होते हैं, उतने ही आपको प्रोडक्ट में मेंटेन करने होते हैं। जैसे यहाँ हम इन टू नंबर्स को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 101.01 और 0.01। यहाँ पर हम देखते हैं आफ्टर डेसिमल टू डिजिट्स इसमें है, टू डिजिट्स
इसमें है, 2 + 2 = 4, टोटल 4 डिजिट्स आफ्टर डेसिमल है, तो यहाँ हमको प्रोडक्ट में भी आफ्टर डेसिमल 4 डिजिट्स मेंटेन करने हैं, तो आपका जाएगा 1.0101, ओके बाय।